आज मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो घिसी हुई गाजर, 1 लीटर दूध, 200 ग्राम खोया, 150 ग्राम चीनी, 5 से 6 इलायची, 50 ग्राम घी, 5 से 6 बादाम। सबसे पहले हम दूध को खौलाएंगे। जब हमारा दूध खौल जाए तब हम इसमें घिसी हुई गाजर डालेंगे। इसमें हम सारी घिसी हुई गाजर डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजर को हम दूध में 20 से 25 मिनट तक चलाएंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि गाजर हमारे भगोने के तले पे ना लगे। लगातार इसको हम 20 से 25 मिनट तक चलाते रहेंगे। जब हमारा दूध गाढ़ा हो जाए देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। इसमें हम चीनी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम फिर से 20 से 25 मिनट तक चलाते रहेंगे। फिर इसमें हम घी डालेंगे और घी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम छोटी इलायची डालेंगे और घिसा हुआ खोया डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करते हैं। गाजर के हलवे को लगभग हमें 1 घंटा पकाना पड़ेगा। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा तैयार। इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे और बादाम से इसे गार्निश करेंगे। देखिए हमारा गाजर का हलवा तैयार। आप मेरी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।